अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में आलमंड बिस्कोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर मैंने लिया बटर 6 टेबल स्पून और अब इसमें डाल दूँगी 2 एग्स जो कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर हैं। इसको मैं बिस्किट के साथ खा लेती हूँ। अगर आपने हैंड बीटर के साथ करना है या आपने दूसरी मशीन के साथ करना है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं। मैं इसको बिस्किट के साथ मिक्स करने लगी हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप शुगर मेजरिंग कप से और इसको भी हम अच्छी तरह बिस्किट के साथ में डाल देंगे। 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस, आपके पास जो भी एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालूंगी 1 कप जो है वो सेल्फ रेजिंग फ्लावर, लेकिन इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। और इसमें डालेंगे हम 2.5 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर। तो जो ही मैं इसको सर्व करती हूँ साथ में वो डाल देती हूँ। एंड हाफ मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दी। तब भी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। तो अभी मैं हाफ का पाउडर डालूंगी इसमें सेल्फ रेजिंग फ्लावर, लेकिन इससे पहले मैं, क्योंकि ये आलमंड बिस्कुट है तो इसके लिए मैंने ये बादाम जो 4 टेबल स्पून मैंने इस तरह काट लिया है तो ये डाल दूँगी। लेकिन ये थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी जो है मज़ीद हमें ठीक वाली चाहिए, तो इसके लिए मैं 1/2 कप जो है सेल्फ रेजिंग फ्लावर इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके साथ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या इसकी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, जो हमारा बिस्कुट का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। ये केक की तरह नहीं होना चाहिए और ना ही ये बिल्कुल डो की तरह होना चाहिए। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह से चिकना चिकना सा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। मैंने सिर्फ इसमें आलमंड डाले हैं, अगर आप चाहते हैं आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे लिया तो इसमें मैंने मैदा डस्ट कर लिया हुआ है, यानी कि जो फ्लावर है। तो अभी हम इसको थोड़ी सी लुक दे लेते हैं खूबसूरत सी। ये हम इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको प्रॉपर शेप दे लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्पैचुला के साथ नीट कर लिया हुआ है और इसको मैंने सारे जो ये शेप दे ली हुई है। तो जो मेरा ओवन है वो मैंने प्री हीट करने के लिए 170 सेल्सियस पे ऑन कर लिया, तो जहाँ पॉसिबल हुआ मैंने इसको बिल्कुल नीट कर लिया। तो अभी हमारा ओवन ऑलरेडी प्री हीटेड है 5 मिनट से, तो इसको 20 से 25 मिनट्स हम बेक करेंगे। आगे देखिए ओवन जो हमारा 170 सेल्सियस पे प्री हीटेड है, तो इसमें मैंने बिस्कुट डाल दिए। तो अभी हम 20 से 25 मिनट इसको बेक, 25 मिनट गुजर चुके हैं। तो हमारे ओवन की बेकिंग साउंड आ रही, तभी मैं इसको निकाल रही थी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत मज़े से बेक हो चुका हुआ, तो इसको मैं निकाल रही थी। तो इसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए और उसके बाद इसको काटते हैं। टाइट मैंने काटूंगी और वैसे भी जितना आपको साइज चाहिए उसके मुताबिक ये काट लें। आप इसी स्टेज पे भी इसको खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको केक रस की थोड़ा थोड़ा सा और खोने। देखिए मैंने इनको डायगोनल स्टाइल में काट लिया हुआ है, देखिए बहुत मज़े का बेक हुआ। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और केक रस की तरह थोड़ा सा क्रिस्पी टच देने के लिए इसको मैं बेकिंग ट्रे में इस तरह रख के तो इसको 10 मिनट तक और कर लेते हैं हम ओवन में। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। तो बाकी के रख के मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें यहाँ पर मैंने इसको बिस्कुटी को सही तरह से ट्रे में रख लिया हुआ है। तब इसको 5 से 7 मिनट तक 170 सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में रख के, यहाँ पे बीपिंग साउंड आ रही है तो 10 मिनट्स गुजर चुके हैं हमारे बिस्कुटी को बेक करते हुए। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं, ये मज़े ही क्रंची एक रस की तरह रेडी हो चुकी है। तो फिर मैं आपको इसको निकाल के इसको सर्व कर, देखिए मैंने आलमंड बिस्कुटी को सर्व कर लिया हुआ है। इसको मैंने बेक करने के बाद बिल्कुल केक रस की तरह 10 मिनट के बाद बहुत क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, तो सर्व कर लिया हुआ है। मैंने आलमंड बिस्कुटी को सर्व कर लिया हुआ है, बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रंची बने हैं। आप चाहे इसको टी के साथ सर्व करें, चाहे कॉफ़ी के साथ सर्व करें, आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भी सेव कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। यहाँ पे मैंने आलमंड बिस्कुटी को यानी कि आलमंड और रस केक रस को सर्व कर लिया, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप चाहे इसको चाय के साथ सर्व करें, कॉफ़ी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के हैं। और आपको एयरटाइट कंटेनर में इसको सेव भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।